अच्छा जी, कल जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन, थोड़ी सी आपको इसकी शायद समझ आ गई होगी। अभी तक जितनी डिस्कशन है उसका एंड रिजल्ट यही है कि सक्सेसफुल इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर इन वीवो स्टडीज। ठीक है, अगर एक सक्सेसफुल IVIVC जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है तो फिर हमें ज्यादा इन वीवो स्टडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ह्यूमन को इसमें ज्यादा ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इन विट्रो स्टडी करके, रिजोल्यूशन स्टडीज करके उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं विद दी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं, इसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं, वो भी आज हम वन बाई वन जो है वो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्विकली इसको हम कल वाला जरा रिवाइज कर लें। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह थी और फिर इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ IVIVC, दो इसके वेज ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, इंटरनल प्रिडिक्टिबिलिटी, वो के अगर एक ही जो फार्मूलेशन है उसके लिए अगर IVIVC जो है वो एस्टेब्लिश किया है तो वो सिर्फ उसी फार्मूलेशन के लिए वो एप्लीकेबल है। एक्सटर्नल प्रिडिक्टिबिलिटी मीन के अगर एक फार्मूलेशन के लिए IVIVC हमने एस्टेब्लिश किया तो वो दूसरी फार्मूलेशन के ऊपर भी अप्लाई हो सके। ठीक है, उसके बाद लेवल ए कोरिलेशन हमने किया था, लेवल ए कोरिलेशन में क्या था कि पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। ये किसी का माइक ऑन है अभी तक? चले, पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड उसको हम परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व के साथ कंपेयर करते हैं। फिर वंस लेवल ए कोरिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड इन विट्रो रिजोल्यूशन प्रोफाइल कैन सर्व एज ए सरोगेट ऑफ इन विवो परफॉर्मेंस। तो ये इसमें अगर थोड़ी बहुत कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज करते हैं या एक्सीपिएंट्स चेंज करते हैं या थोड़ी बहुत फार्मुलेशन में भी चेंज करते हैं तो वो उसको हम उसके लिए हमें नई IVIVC करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक IVIVC अगर एक ड्रग के लिए एस्टैब्लिश हो चुका है तो वो अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन फार्मुलेशन में किया तो वो दोबारा उसके लिए ऊपर भी अप्लाई होगी। उसके बाद ये उसकी एग्जांपल थी, इसकी आई होप कि आपको समझ आ गई थी कल प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद। कैटेगरीज लेवल बी, इसमें सिर्फ यही है कि सिर्फ पहले वाले में हम सिर्फ सारे के सारे पॉइंट लेके उनको आपस में कोरिलेट करते हैं। लेवल बी और लेवल ए में डिफरेंस सिर्फ यही है कि लेवल बी में हम मीन ले लेते हैं, मीन रेजिडेंस टाइम ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड मीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन। उन दोनों को हम सिर्फ एक ही पॉइंट को हम कंपेयर करते हैं विद दी इन विट्रो के एक पॉइंट को इन विवो के एक पॉइंट के साथ कंपेयर करते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बेहतर जो है वो लेवल सी कोरिलेशन है। लेवल सी में हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश इज अ सिंगल पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन अ रिजोल्यूशन पैरामीटर सच एज परसेंट ड्रग डिसॉल्वड एट अ गिवन टाइम एंड पीके पैरामीटर सच एज AUC or C। तो इस पे हम कोई डिसोल्यूशन के किसी एक पॉइंट को जी इतने टाइम में ड्रग इतने परसेंट डिसॉल्व हुई थी और उसी टाइम के ऊपर ड्रग का पीके पैरामीटर क्या था या उसकी जो सीमैक्स या AUC हम जो है वो उसको डिफरेंट जो है जो के करके क्या नाम है उसका, यानी अगर हमने लेवल ए कोरिलेशन किया है फॉर एग्जांपल उसमें हमने 10 या 12 लेवल को कंपेयर किया हुआ तो उनमें से किसी एक लेवल को लेके डिसोल्यूशन के और उसको कंसंट्रेशन के किसी एक लेवल के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसमें जो है वो सिर्फ सिंगल लेवल या सिंगल पॉइंट कोरिलेशन है लेकिन यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट बट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है, रिलेट्स वन आर सेवरल पीके पैरामीटर्स टू द अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्वड एट सेवरल टाइम पॉइंट। इसमें भी डिसोल्यूशन को हम पीके पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करते हैं। अभी ये आगे एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें फिर थोड़ी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज। अच्छा, मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशंस मे बी फीजिबल टू डेवलप ए लेवल ए कोरिलेशन।
मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन मीन के अगर हमने एक ड्रग ली, एक टैबलेट ली, कोई एक फॉर्मुलेशन ली, उसका एक टाइम पॉइंट पे हमने उसकी डिसोल्यूशन का रिजल्ट ले लिया और एक हमने उसका कंसंट्रेशन का रिजल्ट ले लिया प्लाज्मा में, ठीक है, और उन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, दिस इज IVIVC लेवल 3 लेवल सी कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमने 10 फार्मुलेशन ली हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 15 या 20 फार्मुलेशन ली हैं डिफरेंट, और हर एक का एक एक पॉइंट को हमने कंपेयर किया इन विट्रो पॉइंट को एक इन वीवो पॉइंट के साथ, तो ये हमारे पास 10 या 15 वैल्यूज आ गए, तो वो फिर ज्यादा वैल्यूज आ गई, तो उनके कोरिलेशन को हम कह सकते हैं कि ये लेवल सी से हमने लेवल ए की तरह का कोरिलेशन किया जिसमें मल्टीपल पॉइंट कोरिलेशन हमने किया। वैसे लेवल सी जो है वो सिंगल पॉइंट कोरिलेशन है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन लेके तो उनको कंपेयर करेंगे तो वो लेवल सी कोरिलेशन हो सकता है। ये बहरहाल अभी प्रैक्टिकल में इसको परफॉर्म करेंगे तो फिर इसमें कुछ क्लियर हो जाएगी। ये एक इसकी एग्जाम्पल है लेवल सी कोरिलेशन। डिसोल्यूशन टाइम एंड एब्जॉर्प्शन टाइम। डिसोल्यूशन टाइम मीन के कितना टाइम लगा उस ड्रग को डिजॉल्व होने में प्योरली, और फिर उस ड्रग को एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगा। अब ये जो तीन डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आ रही है, ये तीन डिफरेंट फार्मुलेशन है इस ड्रग की, ठीक है। फार्मुलेशन वन का जिस टैबलेट ने इस टाइम के ऊपर डिजॉल्व हुई थी 0-1 आवर पे, उसकी एब्जॉर्प्शन 1 आवर पे इतनी थी, यानी 1 आवर पे उसकी डिसोल्यूशन अगर इतनी थी, सपोज के यानी जो टैबलेट 1 आवर पे डिजॉल्व हो रही थी 100%, वो वाली यहाँ पे अगर आप टाइम को देखें तो कितना बनता होगा, ये 0.5 का ऑलमोस्ट 5 मिनट्स बनते होंगे इधर, यानी जो टैबलेट आधे घंटे में डिजॉल्व हो रही है वो 5 मिनट में डिजॉल्व हुई थी, जो टैबलेट 2 घंटे में डिजॉल्व हो रही है उसकी एक फार्मूलेशन जो है वो समझ लें कि 10 मिनट में डिजॉल्व हुई, दूसरी टैबलेट जो है वो दूसरी फार्मूलेशन उसकी मिनट्स को इसको आप देख लें कि ये 0.5 ये 30 मिनट्स हैं, ये 15 मिनट्स कर लें, ये 10 मिनट्स कर लें, 7 मिनट्स कर लें, यानी डिफरेंट टाइम्स जो है वो उसके डिसोल्यूशन पे लग रहे हैं और इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो 2 घंटे में हो रही है। इसी तरह ये 3 डिफरेंट टैबलेट्स हैं जो कि 2 घंटे में अब्जॉर्ब हो रही हैं और उनकी डिसोल्यूशन में ये इतना डिफरेंस है, कोई जल्दी डिसोल्यूट हो रही है, कोई ज़्यादा देर से डिसोल्यूट हो रही है, लेकिन इन सब का जो है ये कोरिलेशन एक बन गया है, इसको हम कहेंगे कि ये IVIVC लेवल 3 है। ये डिफरेंट जो है वो हमने फार्मुलेशन ली, उनको हर एक के पॉइंट को, ये अब ये सिर्फ लेवल सी कोरिलेशन एक है, ये दूसरा लेवल सी कोरिलेशन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, तो ये जब हमने मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन या मल्टीपल फार्मुलेशन के रिजल्ट्स को एक ही जगह पे कंबाइन करके डिस्प्ले किया तो ये इसको कह सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ लेवल ए कोरिलेशन है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नहीं है सर, एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, लेवल ए कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि एक टैबलेट ली, उसके हमने डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर उसकी डिसोल्यूशन देखी और उसी टैबलेट की, जिनके उसी बैच की दूसरी टैबलेट की, उस डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर एब्जॉर्प्शन देखी, फिर हमने परसेंटेज डिजॉल्व और परसेंटेज एब्जॉर्ब, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लेनी और उनकी परसेंटेज डिजॉल्व और परसेंटेज एब्जॉर्ब को हमने कंपेयर किया तो वो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे कि ये इसका कोरिलेशन है, क्योंकि उसमें एक ही फार्मुलेशन यूज की थी और उसके डिफरेंट टाइम के ऊपर हमने उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी डिसोल्यूशन को कंपेयर किया। लेवल सी में क्या है कि ये डिफरेंट फार्मुलेशंस हैं, ये जो पहले वाली नजर आ रही है, ये टैबलेट एक एक जो है वो उसकी तीन एक फार्मुलेशन है, ये दूसरी फार्मुलेशन है, ये तीसरी फार्मुलेशन है, ये यानी ये 1, 2, 3 फार्मुलेशन दिए हैं, 1, 2, 3, 4 फार्मुलेशन दिए हैं, तो जिस टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन और टाइम ऑफ डिसोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं कि एक ड्रग अगर ये 2 आवर्स पे देख लें, अगर कि 2 आवर्स में जो ड्रग डिजॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, उसकी एक फार्मुलेशन 20 मिनट्स में डिजॉल्व हुई थी, दूसरी कह सकते हैं 25 मिनट्स में, तीसरी 30 मिनट्स में, चौथी 35 मिनट्स में, ठीक है, तो यानी ये 4 डिफरेंट फार्मुलेशन का कोरिलेशन किया हुआ है और फिर ये मल्टीपल लेवल्स के ऊपर या मल्टीपल टाइम पॉइंट्स के ऊपर किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये लेवल सी कोरिलेशन है, लेकिन ये क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स को यूज किया तो इसको हम लेवल सी से लेवल ए बनाया हुआ,
अगर इनमें से कोई भी ना होता, सिर्फ एक जो है वो ये वाला, सिर्फ अगर यही वाला लिया होता है एक पॉइंट, तो ये लेवल सी कोरिलेशन होना था। अब हमने ज्यादा पॉइंट्स ले लिए तो ये लेवल ए कोरिलेशन है, ठीक है। इसमें हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन टाइम एंड एब्जॉर्प्शन टाइम, फिर और पैरामीटर्स भी कंपेयर कर सकते हैं। अब ये क्या है, एब्जॉर्ब एट टाइम, परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, ये परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व, ये जो हमने कल किया था, ये जो लेवल ए कोरिलेशन है बेसिकली, कि इसमें परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व एट टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये भी एक लेवल सी से लेवल ए बना हुआ है। डिफरेंस जो है वो लेवल ए और सी में यही है कि लेवल ए में एक ही फार्मूलेशन के डिफरेंट टाइम्स के ऊपर रिजल्ट लिए होते हैं, इसमें डिफरेंट फार्मूलेशन के डिफरेंट टाइम के ऊपर रिजल्ट लेके तो उनको कंबाइन करके तो फिर लेवल सी कोरिलेशन बनता है, ठीक है। लेवल सी बेसिकली सिंगल पॉइंट कोरिलेशन है कि एक ही, एक टैबलेट के एक इनविट्रो पॉइंट को एक इनविवो पॉइंट से कंपेयर करते हैं, और अगर मल्टीपल फार्मूलेशन लेके तो उनके रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेंगे, तो ये एक मल्टीपल फार्मूलेशन है सारी, ठीक है। कि यानी इसमें भी डिसोल्यूशन टाइम, मैक्सिमम डिसोल्यूशन टाइम किसी टैबलेट का क्या है, और उसी ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है उसी टैबलेट का इनविट्रो इनविवो। अगले वाली में एक और पैरामीटर आया है सी मैक्स, डिजॉल्व परसेंटेज वर्सेज सी मैक्स, के जो अब ये भी डिफरेंट ए बी सी डी ई एफ, ये जो अल्फाबेट्स हैं ये डिफरेंट फार्मूलेशन हैं, ठीक है। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन बिटवीन सी मैक्स एंड परसेंट ड्रग डिजॉल्व ए 30 मिनट स्लो जैसा बी 60 मिनट, ये ए और बी, ये जो ऊपर वाले और नीचे, ये जो दो बॉक्स हैं ये ए और बी। इसमें क्या है कि ये जो फार्मूलेशन ए है फर्ज करें, वो क्या है कि उसमें 20% जब वो डिजॉल्व हुई तो उसका सी मैक्स इतना आया था 0.75, 0.7, 0.9 कह लें आप। जब वो 40% डिजॉल्व हुई तो उसका सी मैक्स इतना है। जब जो जो फार्मूलेशन 60 मिनट्स में डिजॉल्व हो रही है उसका सी मैक्स बढ़ रहा है, सॉरी मिनट्स कह रहा हूँ, परसेंटेज उसकी। कि एक टैबलेट अगर हम उसको डिसोल्यूट करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी डिसोल्यूशन होती ही थोड़ी सी है, 20% ड्रग सिर्फ डिसॉल्व हुई है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका सी मैक्स थोड़ा है। जैसे जैसे डिसोल्यूशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस ड्रग का सी मैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक लेवल सी कोरिलेशन है बेसिकली, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फार्मूलेशन नहीं है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी टी जे के तक है, ठीक है, मल्टीपल फार्मूलेशन हैं। और उनको हमने कौन कौन से पैरामीटर्स को कंपेयर किया कि परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व वर्सेस सी मैक्स, कि जो ड्रग 20% डिसॉल्व होती है उसका सी मैक्स थोड़ा है, जो 100% डिसॉल्व होती है उसका सी मैक्स ज्यादा है, ठीक है। तो जब ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसमें फिर जब हमने फर्दर स्टडी करनी होगी तो हम सिर्फ उसकी देखेंगे कि एक टैबलेट है या कितने परसेंट डिसॉल्व हो रही है। जब उसकी परसेंटेज डिसॉल्व पता चल जाएगी तो उससे फिर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी सी मैक्स कितनी होगी। तो हम सिर्फ ड्रग कंसंट्रेशन नहीं बल्कि उसके पीके पैरामीटर्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सेसफुल IVIVC, ठीक है। उसके बाद जो अगला एक और ग्राफ है ये टी मैक्स वर्सेस परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व, कि इसमें भी जिस ड्रग की डिसोल्यूशन थोड़ी है उसका टी मैक्स ज्यादा है। सॉरी आवाज नहीं आ रही सही। सर थोड़ी आज कट रही है आवाज कट रही है। अच्छा मेरे ख्याल में ये नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, तो या फिर शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ऑनलाइन पे आ गए हैं तो जरा नेट के ऊपर जोर ज्यादा है। बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बड़ी क्लियर होती है, रिकॉर्डिंग में तो आवाज का कोई इशू नहीं ना होता जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें ठीक होता है, तो उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये जो है परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व्ड वर्सेस टाइम जो है वो टू रीच द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये टी मैक्स, डेफिनेटली जिस ड्रग की
एक ड्रग अगर टेबलेट दिया और वो सिर्फ 20% डिजोल्व हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ डिजोल्यूशन स्लो है, वो बॉडी में जाके स्लोली डिजोल्यूट होगी और वो स्लोली अब्जॉर्ब होगी। और स्लोली अब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि टाइम टू रीच इन दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन या टाइम टू अचीव दी सी मैक्स दैट विल बी प्रोलॉन्ग्ड। तो जिस ड्रग की परसेंटेज डिजॉल्व स्लो है उसकी टाइम टी मैक्स जो है वो ज्यादा है। जैसे जैसे परसेंटेज डिजॉल्व कम होता जाएगा वैसे वैसे उस ड्रग का परसेंटेज डिजॉल्व ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे उस ड्रग की टी मैक्स जो है वो कम होती जाएगी। तो जो ड्रग जो टेबलेट जल्दी डिजॉल्व होती हैं उनका टी मैक्स कम है, जो लेट डिजॉल्व होती है उनका टी मैक्स ज्यादा है। तो जब इस तरह का कोरिलेशन अगर हम किसी फॉर्मुलेशन का एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसमें भी फिर ये होता है कि हम नेक्स्ट टाइम हमने अगर एक और बैच बनाया है तो उसमें सिर्फ हम उसकी डिजोल्यूशन परसेंटेज ड्रग डिजॉल्व देखेंगे और उससे फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितने टाइम में जो है इसका सीमैक्स अचीव हो। तो IVIVC से ना सिर्फ हम ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बल्कि इससे हम पीके पैरामीटर्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सीमैक्स के मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी होगी कि जब ड्रग डिजॉल्व कितनी हो रही है तो उसका सीमैक्स कितना है, और टी मैक्स को भी। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब ये है वही जो पहले वाला ग्राफ था, बिल्कुल ये वही उसी ग्राफ का जो है ना ये अब कह सकते हैं कि रेपिटेशन है कि परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व पहले वाले में जो सबसे पहले जो कल हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर हमने परसेंटेज डिजॉल्व और परसेंटेज अब्जॉर्ब को कंपेयर किया था, इसमें डायरेक्टली परसेंटेज डिजॉल्व को प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, कि जो ड्रग जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो जो जो डिजोल्यूशन कम है उनकी सीरम लेवल भी कम है, जिनका डिजोल्यूशन ज्यादा है उनका सीरम लेवल भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एक टेबलेट है वो 80% डिजॉल्व हो रही है तो उसका सीरम लेवल यहाँ पे उसने 32 mg/L जो है वो बताया हुआ, microg/mL। ठीक है, तो जैसे जैसे परसेंटेज डिजॉल्व कम होती है वैसे वैसे सीरम लेवल भी कम हो रहा है। तो इस ग्राफ को ये पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि सबसे जो है वो एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है IVIVC में, कि जिसमें डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व को कंपेयर किया हुआ है विद दी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ IVIVC अगर ये वाला ग्राफ इस तरह का एक हमने सक्सेसफुल जनरेट कर लिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा और चीज है एक रिलेटेड, शायद नहीं इसमें ये है कि जो सॉल्वेंट है वो भी मैटर करता है समटाइम। ठीक है, कि सॉल्वेंट चेंज होने से ड्रग की डिजोल्यूशन चेंज होगी। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया हुआ है, ये IVIVC नहीं है बेसिकली, लेकिन ये है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द डिजोल्यूशन है ये सिर्फ, कि अगर दो टैबलेट्स ली हैं हमने एक ही प्रोडक्ट की या दो डिफरेंट फार्मुलेशन ली हैं, ये एक प्रोडक्ट BE है एक प्रोडक्ट BO है, उनको जब हमने वाटर में उनकी डिजोल्यूशन देखी तो वाटर में दोनों की डिजोल्यूशन डिफरेंट है, मे बी एक जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो रही है वाटर में और दूसरी जल्दी डिजॉल्व नहीं हो रही, तो ये BO1 जो है वाटर में जल्दी डिजॉल्व हो रही है और ये थोड़ा स्लोली डिजॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये आपस में इसका मतलब है कि इसमें हमें फिर जब इसकी डिजोल्यूशन स्टडी करनी पड़ेगी तो उसमें सॉल्वेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कि फॉर एग्जाम्पल हमने अगर फार्मुलेशन चेंज की है और एक दफ़ा हमने उसकी IVIVC एस्टेब्लिश की है, अगर BO टैबलेट बनाई है और उसकी वाटर में हमने IVIVC एस्टेब्लिश की है, वाटर में डिजोल्यूशन चेक की थी, लेकिन अगर हमने दूसरी फार्मुलेशन बनाई है उसी ड्रग की तो उसके लिए भी हमें वाटर में ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर हमने उसकी दूसरी अगर उसी तरह की फार्मुलेशन बनाई है तो वो वाटर में चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने फार्मुलेशन चेंज की तो मे बी जो नई फार्मुलेशन बनाई है उसकी डिजोल्यूशन जो है वो वाटर के अंदर उस तरह से नहीं है। तो इसलिए सॉल्वेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये चार एग्जांपल्स में पहला वाटर है, दूसरा एसिड है, ये सबसे बेहतर है। ठीक है, यानी उसकी डिजोल्यूशन स्टडी आप एसिड में करें, उससे ये है कि ये दो डिफरेंट फार्मुलेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट दे रही हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि इस ड्रग की फार्मुलेशन के लिए जो एसिडिक मीडियम है या एसिडिक एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है। तो ये वाली अगर स्टोमिक में डिजॉल्व होनी है टैबलेट तो उसको हम अगर डिफरेंट फार्मुलेशन भी देंगे तो वो एक ही तरह का रिजल्ट आएगा। चौथा है एसिड एंड pH बफर, pH 7.4 फॉस्फेट बफर। अब ये 7.4 में भी ये इनका कोरिलेशन है कि एक टैबलेट की डिजोल्यूशन थोड़ी जल्दी हो रही है, दूसरी की थोड़ी डिले हो रही है। चौथा जो है वो pH 5.4 फॉस्फेट बफर, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि एक फार्मुलेशन बड़ी जल्दी डिजॉल्व हो गई फौरन ही और दूसरी फार्मुलेशन जो है वो काफ़ी
ये परसेंटेज डिजॉल्व है ना, एक टाइप एक एक फॉर्मेशन डिजॉल्व हो ही नहीं रही, दूसरी जो है वो बड़ी अच्छी डिजॉल्व हो रही है। पहले वाली में भी ये थोड़ा सा इसी तरह था कि पहले वाली बी ओ वन जो है ये कम डिजॉल्व हुई है और बी ओ बी ई जो है ये ज्यादा डिजॉल्व हुई है वाटर में। ये जो है दूसरे सॉल्वेंट के अंदर दोनों ऑलमोस्ट इक्वली डिजॉल्व हो रही है, तीसरे में बी ये जो बी ओ है ये कम डिजॉल्व हो रही है, बी ई ज्यादा हो रही है, चौथे में बी ओ बिल्कुल कम हो रही है और बी ई जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो ये सॉल्वेंट भी अफेक्ट करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आई वी आई बी सी। तो अगर हमने एक सॉल्वेंट के अंदर एस्टेब्लिश किया तो अगली दफा भी उसी सॉल्वेंट में ही हम इनविट्रो स्टडी करके तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन विवो स्टडी के साथ। अगर हमने सॉल्वेंट चेंज कर लिया तो इसका मतलब है कि मे बी उस सॉल्वेंट के अंदर उसकी डिसोल्यूशन और तरह की आई है और हमारा जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो ठीक नहीं है या वो बायस्ड आप कह सकते हैं। तो बोला नहीं जा रहा, गला मेरा बड़ा बैठा है, ठीक है। तो ये आई वी आई पी सी जो है वो यहाँ तक की है सारी डिस्कशन। इसमें अगर कोई क्वेश्चन अभी तक है तो वो बता दो। सर ये परसेंटेज डिसॉल्व और टाइम के दरमियान जो ग्राफ आ रहा है कौन से लेवल ऑफ कोरिलेशन में आएगा? ये लेवल वन है लेकिन ये कोरिलेशन नहीं है, बेसिकली ये दो फॉर्मुलेशंस को हमने कंपेयर किया हुआ है, ये इन विट्रो और इन विवो कोरिलेशन नहीं है, ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है ऑन द फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है आइबुप्रोफेन है, उसकी ये एक तरह की टैबलेट बी ओ रखी और दूसरी तरीके से एक और टैबलेट बनाई हुई जो जो बी ई है, ठीक है। फिर उनको हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व करके देखा तो जो एक तरह की फॉर्मुलेशन आइबुप्रोफेन की वो कम डिजॉल्व हो रही है, उसकी परसेंट मैक्सिमम जो टाइम टाइम तक 8 आवर्स तक उसकी मैक्सिमम डिसोल्यूशन 60% हुई, जो दूसरी है वो 4 आवर्स पे ही ऑलमोस्ट 100% डिजॉल्व हो गई, ठीक है। तो एक फार्मुलेशन को दो जो है ना वो दो डिफरेंट फार्मुलेशन ऑफ सेम ड्रग्स को कंपेयर किया है 4 सॉल्वेंट्स के अंदर, तो उनमें देखा कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मिनिमम है वो एसिड के केस में। अगर एसिड में डिजॉल्व करेंगे तो दोनों फार्मुलेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम के ऊपर और सेम पैटर्न पे डिजॉल्व हो। तो इसके लिए जी जी इन फॉर्मुलेशंस का ओवरऑल तो आईवीआईवीसी के ऊपर इफेक्ट होगा ना? आईवीआईवीसी एस्टेब्लिश करने के लिए सॉल्वेंट का ज़ेन में रखना जरूरी है, इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपने जब आईवीआईवीसी एस्टेब्लिश किया, जब जाहिर है उसके लिए डिसोल्यूशन स्टडी तो आपने की है ना आईवीआईवीसी के, और वो डिसोल्यूशन स्टडी किस सॉल्वेंट में की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक फार्मुलेशन बनाना चाह रहे हैं, लेवल ए की बात कर रहे हैं, लेवल ए कोरिलेशन की, जिसमें हमने बात की थी कि थोड़ी सी फार्मुलेशन चेंज होने को भी ये उसको लिए एक्सेप्टेबल है कि अगर हमने एक फार्मुलेशन से थोड़ी सी चेंज की है तो वो, लेकिन अगर हमने एक फार्मुलेशन बनाई है उसका आई वी आई वी से एस्टेब्लिश कर लिया है वाटर के अंदर, ठीक है, पहले ग्राफ को देखें, अगर उसी ड्रग की अगर हमने एक और फार्मुलेशन बनाई है तो उसको अगर हम वाटर के अंदर ही उसकी डिसोल्यूशन करके तो उसको कंपेयर करेंगे या उसको उसके लिए प्रिडिक्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वाटर में उसकी फार्मुलेशन चेंज होने से वाटर के अंदर उसकी डिसोल्यूशन चेंज हो गई, कि एक टैबलेट जो है वो बहुत ज्यादा डिजॉल्व हो रही है और दूसरी फार्मुलेशन उसी ड्रग की कम डिजॉल्व हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये है कि जब हमने एसिड के अंदर आईवीआईवीसी एस्टेब्लिश किया तो एक फार्मुलेशन जब हमने बना के उसका आईवीआईवीसी एस्टेब्लिश हो गया तो जब उसकी फार्मुलेशन चेंज करेंगे और उसकी डिसोल्यूशन भी हम एसिड में ही चेक करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी उसके कंपेरेबल ही होगा पहले वाली, ठीक है। ओके सर, समझ जी सर, आगे एक मिनट में जरा आपकी ना अटेंडेंस ले लो, आपका जो डिस्प्ले हो रहा है ना नाम, इनका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ।
टोटल अभी कितने 50 पार्ट्स हैं। चलें इसको भी मैं देख लूंगा ये क्योंकि ये मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ठीक हो सही। अभी करीबन 5-7 2 बजे आपकी क्लास है अगली। चले फिर 5 मिनट तक जो है ना वो प्रैक्टिकल भी इसी से रिलेटेड जो है ना, ये जो अपने ग्राफ अभी दिखाए थे मैंने, तो इनके डाटा को लेके तो ग्राफ प्लॉट करके फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? उससे जो है वो जरा ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है जी? ओके सर, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट में।